नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। गोबर गैस के आविष्कारक गुमनाम डॉक्टर रामभक्त सिंह को भारत रत्न देने पर कब विचार करेगी भारत सरकार, ये बात भी उठने लगी है और मांग भी जोर पकड़ने लगी है। जी हां, जिस तरीके से मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार के द्वारा 5 भारत रत्न दिए गए हैं, उसके बाद डॉक्टर रामभक्त सिंह को भारत रत्न दिए जाने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। इस दौरान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रामभक्त सिंह के बेटे राजेंद्र सिंह, जो इस समय आई इंडिया के फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि डॉक्टर रामभक्त सिंह जिनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए, ऐसी मांग पर आप लोग भी कर रहे हैं और भी तमाम लोगों की ओर से उठाई जा रही है, तो क्या कहना है ज़रा उनके बारे में बताइए और क्या भारत सरकार से आप लोग अपेक्षा किए हुए हैं? जी, हम लोग जो है सब परिवारी जन असल में बहुत अच्छे वैज्ञानिक रहे हैं और ये बायोगैस में इन्होंने दुनिया में पूरा नाम किया है, भारत देश में भी नाम रहा इनका, तो इनको भारत रत्न के लिए हम लोग अप्लाई किए हैं और ये परिवारी जन सब आशा कर रहे हैं कि इनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए, यही सब है सर जी। तो आपने देखा होगा, आप लोग उस समय गौरवान्वित हुए होंगे जब डॉक्टर रामभक्त सिंह के बहुत सारे ऐसे उनके जो संग्रहित किए गए थे भारतीय अभिलेखागार में, तो उस समय भी एक आपको एक ऐसा महसूस हुआ होगा कि इसी लायक थे, अब इससे उम्मीद भी बंधी होगी कि भारत रत्न उन्हें मिलेगा। बिल्कुल, हम लोग सब दिल्ली गए थे, दिल्ली में जो है उनके सभी अभिलेख जो है संग्रहित कर लिए गए हैं और जो है वो उनको जो है ये पदक मिलना चाहिए भारत रत्न से, क्योंकि आगे जो है इन्होंने बहुत काम किया है पूरी दुनिया में, लगभग 15 देशों में इन्होंने काम किया है, अपने देश में भी काम किया है और इन्होंने लगभग 8 किताबें लिखी हैं जो 40 देशों में पढ़ी जाती हैं और इनके किताबों को बाइबल ऑफ बायोगैस जो है कहा गया यूएसए में। बिल्कुल, देखिए ये उपलब्धि है, आपको बता दें कि ये महत्व है उस शख्स का जो बायोगैस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए जाने जाते हैं। भारत में ही नहीं, कई देशों में लोगों ने उनका लोहा माना और आज कई देशों में उनकी पुस्तकों को पढ़ा जाता है, तो ऐसे में मांग उठने लगी है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए और परिवारीजन भी इस उम्मीद में थे कि उन्हें भारत रत्न मिलेगा। जैसा कि हाल ही में राष्ट्रीय गौरव के एक क्षण में भारत सरकार ने देश की प्रगति में उनके अनुकरणीय योगदान को याद करते हुए पीबी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। जैसा कि राष्ट्र उनकी उल्लेखनीय विरासतों को सराहना करता है, मगर उन गुमनाम नायकों पर प्रकाश डालना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जिनकी स्मारकीय उपलब्धियों पर अक्सर ध्यान नहीं दिया गया है। ये दर्द है कहीं ना कहीं, आपको बता दें। और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर के रहने वाले डॉक्टर रामभक्त सिंह को भारत रत्न दिए जाने की मांग उनके परिजन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारत सरकार ने 5 भारत रत्न हाल ही में दिए हैं, ऐसे में ये मांग और उम्मीद और भी बढ़ती जा रही है, खासकर परिजनों की भी उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि बायोगैस के क्षेत्र में डॉक्टर रामभक्त सिंह का योगदान अतुलनीय है और ऐसे में फिर से एक बार वही मांग उठ रही है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए। उनके बेटे राजेंद्र सिंह इस समय फोन लाइन पर बने हुए हैं। आपसे मेरा सवाल है, जरा सा डॉक्टर रामभक्त सिंह के बारे में और भी बताइए कि कहाँ के रहने वाले थे और कब इन्होंने इसका आविष्कार किया था बायोगैस का, फिर किन किन देशों तक ये पहुँचा? जी सर, ये स्टार्टिंग में तो सीतापुर में रामनगर एक जगह पड़ती है, वहाँ से इन्होंने पहला गोबर गैस अपने नए टाइप का बनाया, जो उसके बाद फिर वो जो है मिनिस्टर और सेक्रेटरी ये सब 15 गाड़ियाँ लगभग गई थी उनके यहाँ रामनगर में, तो उनको उसको देखा गया
फिर उनको ये ले आए थे वहाँ से लखनऊ। लखनऊ में एक प्लानिंग रिसर्च अफसर ऑफिस है, उसमें इनको रखा गया। उसके बाद फिर जो है एक अजीत मल इटावा में जो है इन्होंने पहला जो है एशिया का गोबर गैस का रिसर्च स्टेशन इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया। उसके बाद पूरी दुनिया की नज़र उस पर पड़ी, पूरी दुनिया हर कंट्री का आदमी वहाँ आता था और यहाँ से सीख कर जाता था कि हम भी अपने देश में गोबर गैस ये बनाए जाके जिससे हम जो है आत्मनिर्भर हो सकें ऊर्जा के क्षेत्र में, जिससे खाना पीना ये सब चीज़ें उस समय जो है मतलब बहुत कठिन चीज़ें थी। तो उसको इन्होंने फिर इनकी डिमांड आने लगी विदेशों से, तो फिर ये विदेशों से में जाने लगे, वहाँ फिर बनाया इन्होंने, ईरान है, ऑस्ट्रेलिया है और बहुत सी कंट्री, 15 कंट्री से ज़्यादा ही होंगी। USA में पहला गोबर गैस 1972 में इन्हीं ने बनाया और जो है वहाँ की सेनेट में भी इनका नाम है, सेनेट की रिपोर्ट है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में सलाहकार रहे 3 साल और नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, ये तो अभी दिल्ली में इनके सब संग्रहित किए गए हैं, इनके अभिलेख जो काफ़ी दिनों तक के लिए मतलब आगे के रिसर्च वर्कर इसको जो है देखेंगे समझेंगे कि इन्होंने जो है ऐसे नायाब चीज़ें जो है बनाई। और 15 कंट्री में ये सब इन्होंने घूमा टहला और वहाँ बनवाए गैस प्लांट, और इनकी किताबों को बाइबल और बायोगैस कहा गया विदेशों में। और हम परिवारी जन डिमांड करते हैं कि हम लोगों को भी मतलब हमारे फादर को भी भारत रत्न दिया जाए। जी, तो आपने आपने इसको लेकर कोई प्रयास किया या सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से आपसे संपर्क कोई साधा गया अभी तक? जी सर, हमने प्रधानमंत्री जी को भी अवगत हैं और अमित शाह जी को भी अवगत कराया गया है और यहाँ CM साहब को भी अवगत कराया गया है, सभी को हमने लगभग लिख रखा है और डॉक्यूमेंट भी भेज दिए गए हैं और ये सब है सर, पूरा है उनके पास रिकॉर्ड, हमारा अब भेजा गया है उसका रिकॉर्ड है उन लोगों के पास। तो फिलहाल अब ये बताइए हमें कि राजेंद्र सिंह जी क्या उम्मीदें हैं आपके जो पिता डॉक्टर रामबख्श सिंह हैं उनके लिए अब क्या उम्मीदें हैं, कि भारत रत्न की उम्मीदें आप लोगों ने अभी बरकरार रखी हैं? जी सर, हम लोग तो बिल्कुल उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, परिवारी जन सभी लोग आशा कर रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है हम लोगों को भी भारत रत्न से नवाजें, तो हम लोग भी बहुत खुश होंगे, परिवारी जन सभी लोग। बिल्कुल, तो देखिए डॉक्टर रामबख्श सिंह के परिवार के लोगों की उम्मीदें भारत सरकार से अभी भी बंधी हुई हैं कि उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जाए, और इस उम्मीद में उनका पूरा परिवार जी रहा है और जिए भी क्यों ना। डॉक्टर रामबख्श सिंह एक ऐसी देश की धरोहर जिन्होंने भारत में ही नहीं विदेश तक में डंका बजवाया, कई देशों में भारत में जो उन्होंने किया उस चीज़ को कई देशों ने माना, उनके कार्यों को लोहा माना और आज उनकी बुक्स को कई देशों में पढ़ा जा रहा है। ऐसे में डॉक्टर रामबख्श सिंह को भारत रत्न दिए जाने की मांग भी जोर पकड़ रही है कि भारत सरकार उनको भी भारत रत्न दे और परिवार उनका गौरवान्वित हो, भारत देश गौरवान्वित हो, और जिस क्षेत्र में वो क्रांति लाए थे कम से कम उस क्षेत्र में काम करने वाले और उसको समझने वाले लोग भी ये समझें कि एक वैज्ञानिक जिन्होंने अपना पूरा जीवन उस क्षेत्र में न्यौछावर कर दिया, उस कार्य पर न्यौछावर कर दिया, उन्हें भी इस पुरस्कार का हक बनता है, वो भी इसके काबिल हैं, और ये भारत सरकार को समझना होगा। इसी उम्मीद में परिवार के लोग भी हैं और भी तमाम शख्सियत जो वैज्ञानिक डॉक्टर रामबख्श सिंह को जानती है, वो उम्मीद में है कि उन्हें एक ना एक दिन भारत सरकार भारत रत्न से जरूर पुरस्कृत करेगी। हम भी उम्मीद करेंगे, हम भी मांग करेंगे कि डॉक्टर रामबख्श सिंह के योगदान को देखते हुए भारत सरकार उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से जरूर पुरस्कृत करे। तो फिलहाल राजेंद्र सिंह जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए
आ इंडिया।